चीज को दरकिनार करके सरकार ने कर दिया, उसके बाद आपकी पदयात्रा हो रही है, उससे आप क्या मैसेज देंगे? उससे हम यही देंगे कि शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लेके आए, और शीतकालीन अध्यादेश में जब आप अध्यादेश लेके आएंगे, आप कह रहे हैं कि सब पार्टियों का समर्थन चाहिए, तो कम से कम इतना तो पता चल सकेगा कि कौन राम के साथ में है और कौन राम के साथ में नहीं है। तो इससे ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो हम चाहेंगे कि वो चीज हमारा देश को देख रहा है कि और 18 तारीख को राम मंदिर के लिए पदयात्रा करने का मतलब है समाज में जनजागृति लाना, प्लस कोर्ट और गवर्नमेंट से ये निवेदन करना कि आखिर हिंदुओं का इतना सब्र है, इतना धैर्य है, और कितना हम लोगों को धैर्य रखना है, सिर्फ अपना मैसेज उन तक पहुंचाना, क्योंकि अभी इलेक्शन पास में है तो सारी पार्टियां भी हमें देखेंगी, बाकी का इलेक्शन समाप्त होने के बाद तो कौन हमें देखता है, कौन हमें सुनेगा, तो अभी सब लोग सुनेंगे भी देखेंगे भी। आप कह रहे हैं कि हमने कोई पार्टी नहीं बनाई है जी, जैसा आपने प्रश्न में लिखा हुआ है जी, लेकिन अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता बीजेपी से जी, क्या लड़ेंगे? क्या सुनना आप क्या सुनना चाहेंगे? जो आपका मन है। कभी नहीं, वो ये कहे ना डायरेक्ट हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, तो भी मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। मेरा काम सिर्फ समाज को जागृत करना कथा के माध्यम से है, मुझे कथा करनी है, कथा करता रहूंगा, कथा ही मेरा जीवन है वो, लेकिन यहाँ जनजागृति सामाजिक बातें करना इसका मतलब पॉलिटिक्स नहीं है, इट्स माय मीन। महाराज जी श्रवण सेना निकाल रहे हैं और पदयात्रा में यही प्रार्थना की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से, दिल्ली के आए संसद में जैसे कोई प्रॉब्लम है तो संसद में बिल लेके आए और अध्यादेश लाकर एक कानून बनाए जिसे ले गया हो, लेकिन युद्ध में जब मौका मिला तो उसी शत्रु को, उसी रावण को पहले प्रणाम किया, बाद में युद्ध किया, ऐसा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SC ST एक्ट के लिए काफ़ी लोगों ने हमको कहा कि आप दलितों का विद्रोह कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये गलत है। मैं ना अपने दलित भाइयों का विरोध कर रहा हूं और ना ही SC ST एक्ट का विरोध कर रहा हूं। 6 महीने के लिए जेल भेज देना, जांच हो जाए तो चाहे 7 महीने के लिए भेज दो, लेकिन पहले जांच हो जाए उसके बाद में भेजेंगे, तो मुझे ज़्यादा मतलब हम सभी को एक समाज में जो संरचना है वो बनी रहेगी और वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि